यहाँ पर विकास के मायने और विकास के मुद्दे कितने महत्व रखते हैं, समझते हैं संक्षेप में अतुल जी से। जी अतुल जी, देखिए डेवलपमेंट खंडवा में एक इशू है, लेकिन डेवलपमेंट के इशू पे अक्सर खंडवा में चुनाव नहीं होता। ये दुर्भाग्य ही है कि जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव में महत्व खो देते हैं। जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, प्रत्याशियों के व्यक्तिगत चेहरे और उनके जो समर्थकों के एक्टिवनेस है उसके आधार पर कई बार वोट हो जाते हैं और विकास के मुद्दे इसीलिए पीछे हो जाते हैं। विकास एक महत्वपूर्ण पायदान है लोकतंत्र का, अर्थ यही है कि लोकतंत्र में विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर वोटिंग हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जो हमारे साथ नेता कनेक्ट हुए थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने यहाँ पर दो विधानसभाओं में अपने विधायकों के टिकट काटकर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। ये अपने आप में अनूठी बात है, क्योंकि जिस विधायक का यहाँ पर कार्यकर्ता नाम ले रहे थे उन विधायक का टिकट काटकर यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को, महिला नेता को टिकट दिया गया। ये वही विधायक है जिन्होंने इस महिला नेत्री का नाम लेना तक पसंद नहीं किया था, इन्हें पहचानने से इनकार नहीं कर दिया था, और बीजेपी ने उस महिला को टिकट दे दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर अंतर कलह खड़ी हो गई, जो लगातार विधायक जीतते रहे उनको टिकट नहीं दिया। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि विधायक वर्मा के टिकट काटकर कंचन वर्मा को टिकट देने के बाद, इसके बाद जो दूसरी विधानसभा है वो पंधाना विधानसभा है, और यहाँ पर राम दांगोरे जो बीजेपी के प्रवक्ता भी है, वो विधायक थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के मामले में जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उनका स्थानीय स्तर पर विरोध भी था, और इसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद बीजेपी में स्थानीय विधायकों के काटने से जो अंतर कलह है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर भारी पड़ सकती है, और अंतर कलह का खामियाजा बीजेपी को भुगत।